हेलो स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज फॉर क्लास फर्स्ट शीट थ्री सर्कल द वर्ड्स दैट आर नाउन ओके सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंग्लिश ओके दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इंग्लिश व्हाट वी हैव टू डू इज सर्कल द वर्ड दैट आर नाउन जो वर्ड्स नाउन है हमें उन्हें सर्कल करना है वॉट इज नाउन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल नाउन्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स ओके किसी भी चीज़ का नाम है उसे हम नाउन कहते हैं हर चीज का अपना अपना एक नेम होता है हर चीज़ नाउन होती है सन मून स्टार ह्यूमन्स एनिमल्स इंसेक्ट एवरी थिंग ओके पेन पेंसिल इरेजर शार्पनर टेबल चेयर ओके एवरीथिंग इज नाउ सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सर्कल द वर्ड हर चीज जिसका भी एक नाम होता है ओके okay, उसे हम नाउन कहते हैं सो वी हैव टू सर्कल द वर्ड दैट आर नाउन यू कैन सी अ ग्रुप ऑफ वर्ड यहाँ पे बहुत सारे वर्ड दिए हैं इनमें से हमें नाउन्स को सर्कल करना है सो बैग बी ए जी बैग बैग क्या एक थिंग का नेम है सो इट इज़ अ नाउन गर्ल गर्ल क्या है एक बच्चे का एक बच्चे का नेम है जिससे हम जेंडर डिफाइन कर सकते हैं ओके सो इट इज़ ऑल्सो नाउन रैबिट रैबिट क्या है एक एनिमल का नेम है इट इज़ ऑल्सो नाउन इंडिया इंडिया क्या है इंडिया एक कंट्री का नेम है तो हम तो ये भी क्या है ये भी नाउन है अंडरस्टूड एवरी थिंग विच हैज़ नेम दैट इज नाउन हर वो चीज़ जिसका भी कोई नाम है उसे हम नाउन कहते हैं So, now see the second question. Underline the noun in each sentence. Okay, यहाँ पे uh, six sentence given hai इन sentence को पढ़ना हैं और समझना हैं कि इसमें कौन सा noun हैं। और noun को underline करना हैं। Okay, noun को underline करना हैं। The girl is singing. द गर्ल इज सिंगिंग लड़की गाना गाती है लड़की गाना गा रही है ओके द गर्ल इज सिंगिंग इसमें नाउन क्या है गर्ल ओके okay? सो so हम अंडरलाइन किसको करेंगे वी विल अंडरलाइन गर्ल द कैट इज सिटिंग बिल्ली बैठी है बिल्ली बैठी है तो इसमें नाउन क्या है कैट वी विल अंडरलाइन कैट दिस टेडी इज सो सॉफ्ट ये टेडी बहुत सॉफ्ट है इसमें क्या है नाउन टेडी। टेडी क्या है एक टॉय का नेम है टेडी सो इट इज ऑल्सो अ नेम सो वी विल अंडरलाइन टेडी अंडरस्टूड इच एंड एवरी थिंग दैट हैज अ पर्टिकुलर नेम इज नाउन हर वो चीज जिसका कोई नाम है उसे हम नाउन कहते हैं अंडरस्टूड ओके सो लेट्स रिवाइज द डेफिनेशन ऑफ नाउन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और एनिमल नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन place thing or animal nouns are also called naming words nouns are also called naming words now see the second section maths काउंट द पिक्चर एंड मैच दैम टू दियर करेक्ट नंबर नेम्स हमें क्या करना है पिक्चर को काउंट करना, करना है और उनके करेक्ट नंबर नेम्स से मैच करना है वॉट आर नंबर नेम्स नंबर नेम्स क्या होते हैं हम जो काउंटिंग लिखते हैं वन टू थ्री फोर इन सब को स्पेलिंग्स इन सबकी स्पेलिंग्स को ही नंबर नेम्स कहते हैं द स्पेलिंग ऑफ द काउंट काउंटिंग्स आर कॉल्ड नंबर नेम्स ओके

One, two, T W O, two, T W O, two, three, T H R double E, three, T H R double E, three. Understood. सो वॉट वी हैव टू डू हमें नंबर को पहचानना है और नंबर नेम्स राइट करना है ओके सो वी विल स्पीक अप नंबर नेम फ्रॉम वन टू टेन रिपीट विद मी वन ओ एनी वन ओ एनी वन टू टी डब्ल्यू ओ टू

FI V E five six S IX six S IX six seven S E V seven S E V E N seven eight E-I-G-H-T, eight. EI -H -H -N 9 N-I-N-E 9 N-I-N-E 9 10 T-E-N 10 Okay, so we have re read read number names from 1 to 10. O N E one T W O two T H R E E three F O U R four F I V E five S I X six S E V E N seven E I G H T eight N I N E nine T E N ten. So this was all about. मैथ्स नाउ मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट लास्ट सेक्शन evs environmental studies एनवायरमेंटल स्टडीज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स आपको आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे वर्ड हैं और हमें क्या करना है वी हैव टू यूज दिस हेल्प बॉक्स इस हेल्प बॉक्स के यूज से हमें ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है ओके okay? कंप्लीट करना है वी हैव टू फिलअप दीज ब्लैंक्स फूड गिव फूड फूड मीन्स खाना गिव देता है फूड हमें. हमें क्या देता है एनर्जी फूड गिवज एनर्जी ई एन ई आर जी वाई एनर्जी फूड गिवज एनर्जी ओके फूड हमें एनर्जी देता है और तभी हम उस एनर्जी का यूज करके हम कोई वर्क कर पाते हैं ओके फूड गिव्स अस एनर्जी एंड वी यूज दैट एनर्जी टू डू वर्क वी नीड फूड टू हमें वी हमें नीड चाहिए फूड खाना टू के लिए हमें खाना चाहिए किस लिए जीने के लिए वी नीड फूड टू लिव एल आई वी ई लिव जीने के लिए वी नीड फूड टू लिव एल आई वी ई लिव वी नीड फूड टू लिव डैश कीप्स आवर टीथ एंड बोन्स हेल्दी डैश कीप्स आवर टीथ एंड बोन्स हेल्दी की रखता है आवर हमारा टीथ दांत एंड और बोन्स हड्डिया हेल्दी मीन्स हेल्दी मीन्स ताकतवर ओके स्ट्रोंग हेल्दी ओके अच्छा सा क्या क्या रखता है हमारे टीथ और बोन्स को हेल्थी क्या रखता है

वी मस्ट ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे हमें रोज एक ग्लास मिल्क पीना चाहिए वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे सो दैट आवर टीथ एंड बोन्स रिमेन हेल्दी ओके नाउ वी शुड ऑलवेज डैश बिफोर ईटिंग ज डैश बिफोर ईटिंग हमें खाना खाने के पहले क्या करना चाहिए वॉश हैंड वी शुड ऑलवेज वॉश हैंडोर ईटिंग हमें हमेशा खाना खाने के पहले हैंड्स को वॉश करना चाहिए ओके सो दैट नो जर्म्स कैन बी ऑन आर हैंड हमारे हाथों पर कोई जर्म्स ना रहे और जब हम खाना खाएं तो कोई भी जर्म्स हमारे अंदर ना जाए ओके एंड द रेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स विल बी डन बाय यू जो बाकी का फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप खुद से करेंगे विद द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स ठीक है हेल्प बॉक्स की हेल्प से आप फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करेंगे सो दिस वाज ऑल अबाउट ईवीएस इसमें क्या था हमारे फूड के बारे में हमारे न्यूट्रिशन के बारे में बताया हुआ था ओके फूड गिव्स अस एनर्जी फूड हमें एनर्जी देता है और हमें फूड क्यों चाहिए वी नीड फूड टू लिव ओके और फूड मींस खाना खाने के पहले हमें हमेशा हैंड वॉश करना चाहिए सो दैट नो जर्म्स नो बैक्टीरिया कैन एंटर इन आवर बॉडी हमारे बॉडी में कोई भी जर्म्स कोई भी बैक्टीरिया एंटर ना कर सके ओके okay? और हमें हमारा जो खाना है वो दो तरीके से मिलता है वी गेट आवर फ्रूड गेट अवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स हमें हमारा खाना प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिलता है फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स से हमें वेजिटेबल्स मिलते हैं फ्रूट्स मिलते हैं ओके okay? पल्सेज मिलते हैं और एनिमल्स से हमें क्या मिलता है एग मिल्क बटर ओके मीट फिश ओके okay? तो ये सब हमें किससे मिलता है एनिमल्स से और जब हम हेल्दी खाना खाते हैं व्हेन वी ईट हेल्दी फूड इट अस टू प्रिवेंट मैनी डिजीजेस इससे हमारा जो बॉडी है वो कोई भी डिजीज किसी भी बीमारी के अगेंस्ट लड़ सकता है क्योंकि वो हमारा बॉडी हेल्दी है हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है और हमें हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए कभी जंक फूड नहीं खाना चाहिए ओके बिकॉज जंक फूड इज फुल ऑफ शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा शुगर डाइजेस्ट करना अच्छा नहीं है ओके दैट इज़ वाई वी शुड ऑलवेज ईट हेल्दी फूड विच इज इन प्रॉपर बैलेंस ओके जो प्रॉपर बैलेंस हो जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन विटामिन मिनरल्स फैट्स सब कुछ इक्वल क्वांटिटी में हो अंडरस्टूड सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टूडे शीट ओके सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू एनी सेक्शन इंग्लिश मैथ्स और ईवीएस यू कैन आस्कमी Thank you. Bye bye.